अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और साथ मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए माश की दाल का पराठा, क्योंकि उनको ऐसे पराठे बड़े पसंद है, जैसे कि गोभी का पराठा हो गया, आलू का पराठा और मूली का पराठा वगैरह वगैरह, उनको ये सब बड़े पसंद है। तो माश की दाल का सालन पड़ा हुआ था तो उन्होंने कहा है कि मेरे लिए एक पराठा बना दो। तो यहाँ पे मैं दाल को मैश कर रही हूँ, तो उसके बाद अब मैं उनके लिए बनाऊँगी पराठा। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी माश की दाल का पराठा बनता है, क्योंकि हमारे घर में तो ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है ना ये चीज़ें, तो फिर मैं भी वही चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ जो उनको अच्छी लगती हैं। तो शायद सबके घरों में होता है कि जो चीज़ें ज़्यादा हस्बैंड खाते हैं वही ज़्यादा चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। अब मेरे हस्बैंड को ज़्यादा चावल नहीं पसंद, तो हमारे घर बड़े कम चावल बनते हैं। तो पराठा हो गया रेडी, ये मैं दे के तो फिर अपना नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैं साथ अपने लेके गई ना नाश्ता के साथ, अपने नाश्ते के साथ, तो ये फिर ठंडा हो जाएगा, तो फिर कोई मज़ा नहीं रह जाएगा खाने का। तो मैंने ये गरम गरम दे के तो अब उसके बाद बनाने लगी हूँ अपना नाश्ता। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए एक अंडा और साथ एक कप चाय का। और आज मेरा कुछ ज़्यादा दिल नहीं था गहरा खाने के लिए, बस हल्का सा नाश्ता करूँगी, एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लूँगी, उसको मैं ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करती, मुझसे ना ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाई जाती। ये जो ऑयल पैन में था ना अंडे का, अंडे के बाद तो मैंने उसी के ऊपर ब्रेड रख दिया, उसी में हल्की सी ब्राउन करके तो मैं वो नाश्ते में लूँगी। उसके बाद दोपहर का टाइम था तो यहाँ पे मामा ने जो राइस बनाए थे ना मेरी फ्रेंड के लिए, मैंने बनवाए थे, मैं उसके लिए बॉक्स में डाल ली ताकि मैं उसको फिर फ्रेश फ्रेश ही पहुँचा दूँ। साथ मैंने अपने लिए भी प्लेट रेडी कर ली, थोड़ी डेकोरेट कर ली चमचम के साथ। तो यहाँ पे उसके बाद मैं खाना गरम कर रही थी, हमने रात को बनाए थे टींडे कीमा, बड़े मज़े के बने थे, ये भी मामा ने ही बनाए थे। साथ मैंने इसके साथ तंदूर की रोटी मंगवाई थी, क्योंकि राहिम कह रहा था कि मैंने खाना है नान, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं अपने लिए बस क्या रोटी बनाऊँ, मैंने कहा चलो आप मेरे लिए बिना एक सादी रोटी ले आओ। तो यहाँ पर मैं कह रही थी फिर सालन गरम, तो सालन गरम करने के बाद मैं खाऊंगी खाना और आज मुझे जाना है मार्केट, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी कि मैं वहां से क्या लूंगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। के बाद मुझे और मामा को थोड़ी सी तलब चाय की, तो मैंने आधा आधा कप बनाई चाय मामा के लिए और अपने लिए। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद कुछ किचन के काम थे वो किए हैं, साथ में टमाटर लिए थे वो वॉश करके फ्रिज में रखूँगी, तो उसके बाद चलेंगे हम मार्केट। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया था कि चले मेरे साथ वो भी, क्योंकि अकेले जाने का दिल नहीं था, तो किचन के काम कर लूँ तो उसके बाद मैं होती हूँ रेडी। तो यहाँ पे फिर मैंने किचन के काम करने के बाद रेडी हो गई थी। सबसे पहले हम इस शॉप में आए थे, यहाँ से मुझे चाहिए थे कुछ मग, तो मुझे तो जाते ही ये ब्लैक कलर वाले बड़े ज़्यादा अच्छे लगे थे, लेकिन मेरी सिस्टर कह रही थी वाइट कलर वाला ले लो, तो यहाँ पे फिर कुछ निकलवाए थे मग। तो वाइट मैं इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि लास्ट भी जो मेरे पास मग था ना वो वाइट कलर में ही था, तो इस दफ़ा चेंज करने को दिल कर रहा था कलर, तो यहाँ पे फिर मैं तो ब्लैक पे ही अड़ी हुई थी, मैंने कहा मैंने ब्लैक ही लेना है, तो फिर आखिरकार हमने फिर ब्लैक वाला ही मग ले लिया। निकलवाए दो तीन और भी थे, लेकिन जब एक दिन चीज़ पहले पसंद आ जाती है ना तो फिर बंदा वही लेता है। ज़्यादा थी तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ, ये ब्राउन वाले भी देखे थे लेकिन ये इतने अच्छे नहीं थे लग रहे,
उसके बाद हम नेक्स्ट शॉप में आए थे, मुझे गिलास चाहिए थे घर के लिए, तो गिलास यहाँ पे कोई इतने ख़ास नहीं थे, बस हमने थोड़ी सी देखे हैं तो इतने ख़ास पसंद नहीं आए। तो फिर हम उससे आगे थोड़ा सा गए तो यहाँ पे एक शॉप थी, यहाँ पे बड़ी अच्छी ना चीज़ें थी, तो यहाँ से मुझे गिलास भी पसंद आ गए। और साथ आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे इतने प्यारे मग थे, और मैं जो लास्ट शॉप से मग ले चुकी हूँ और उस पर मुझे बड़ा अफसोस था कि मैंने क्यों वहाँ से लिए, आगे तो मैंने आना ही आना था, आगे शॉप से ले लेती, बस वो जल्दबाजी में ले लिए गर्मी का कुछ सोच के, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। चलो कोई बात नहीं, ये कौन सा हमेशा ही चलने हैं, ये एक महीना भी नहीं चलते, टूट जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट जब लूँगी तो फिर इस शॉप से ही लूँगी, बड़े अच्छे मग थे यहाँ पर ना, कलर बड़े प्यारे थे। उसके बाद कुछ डिशेज़ लेनी थी वो ली हैं, उसके बाद ये अंकल ना पुराने जाने वाले थे, तो इन्होंने कोई बड़ी सी शॉप बनाई है यहाँ पे बड़ी अच्छी, तो वो कह रहे आए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं तो वैसे नहीं थे पहले जा रही, लेकिन अंकल ने ज़्यादा कहा तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा चलो चलते हैं, अंकल काफ़ी पुराने जानने वाले हैं, साथ ही उनकी शॉप थी, तो हम उस शॉप पर आ गए। ये शॉप इन्होंने बड़ी अच्छी बनाई है, और इतना ज़्यादा सामान था और इतना प्यारा क्रॉकरी का सामान था यहाँ पर, ये ना जूते उतार के बाहर अंदर जाने देते हैं, इनकी दुकान बड़ी साफ़ और बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई हुई है, बड़ी ही प्यारी चीज़ें थी। ये सेट थे डिनर सेट, ये भी बड़े ही प्यारे थे, ये इनका ऊपर पोर्शन था वो भी उन्होंने फुल रेडी किया हुआ था बड़ा प्यारा, तो ऊपर ना उन्होंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने दी। तो बाकी मुझे अपने लिए हिजाब लेना था, तो यहाँ पे मैं हिजाब ले रही थी यहाँ से, तो हिजाब लेने के बाद हम आ गए थे, थोड़ी सी और शॉपिंग की थी, तो वो बस मैं वीडियो हर जगह पे नहीं बना सकी, तो हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो हमने सोचा चलो दही भल्ले खा के जाते हैं। हम जब भी मार्केट आते हैं कुछ ना कुछ आइसक्रीम हो गई वापसी पे, या दही भल्ले फ्रूट चाट खा के जाते हैं, तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी खा के जाते हैं वापसी पे कुछ ना कुछ। हम तो जब भी आते हैं खा के ही जाते हैं, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ज़रूर खाते हैं। जो पहले वाली शॉप पे बैठे हैं तो वहाँ पे हमने सुकून से बैठ के सांस वगैरह लिया, रेस्ट किया थोड़ी सी, साथ दही भल्लों का ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद आके वो लड़का कहता है कि जी दही भल्ले नहीं मिलेंगे, फ़ास्ट फूड में से कुछ खा लें, तो हमें बड़ा गुस्सा आया, लेकिन हम उठ के फिर आगे दूसरी शॉप पे, वहाँ से हमने लिए दही भल्ले और खा के, तो फिर घर आ गए थे। घर आके मैंने की थोड़ी सी रेस्ट, रेस्ट करने के बाद फिर ये चीज़ें मैंने कहा कि मैं आपको साथ ही दिखा दूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं थी, जितनी है तो मैं अभी दिखा दूँ। मग थे और ये डिश ली थी, और साथ ये गिलास लिए थे, गिलास बड़े प्यारे मिल गए थे, तो ये गिलास मुझे 600 में मिले हैं और बड़े अच्छे हैं किचन यूज़ के लिए, तो मुझे अच्छे लगे थे, तो मुझे बड़े पसंद है, मैंने ले लिए। फिर डिश भी, डिश के प्राइस भी मैं आपको बता दूं, ये हमें मिली है 400 की, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। साथ मुझे कुछ सॉक्स चाहिए थी, तो ये मैंने सॉक्स ली थी। तो महंगाई तो इतनी हो गई है, कोई चीज़ अब सस्ती रह ही नहीं गई। ये जो सॉक्स हैं पहले 80-80 की होती थी, अब ये मैंने 150 की ली हैं, तो तौबा है महंगाई की, हर तरफ इतनी ज़्यादा महंगाई है, क्या करें, अब हर तरफ महंगाई महंगाई महंगाई। तो फिर मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।